नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें चर्चा करेंगे हम लोग कि बैवो 100 क्या है। देखो बैवो 100 क्या है, तो बैवो 100 बीएससी कोचिंग संस्थान और लेट्स इंस्पायर बिहार का एक कोलाबोरेशन है। लेट्स इंस्पायर बिहार, विकास बैवसर आईपीएस, उनका एक सपना है जिसके तहत वो बिहार के हर ऐसे छात्र जो पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं ड्यू टू पैसों की वजह से, पैसों के कारण से, फिनेंशियल कंडीशन वीकर सोसाइटी, ऐसे लोग जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन उनके पास पढ़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे मेधावी छात्र हम लोग कह सकते हैं, मेधावी छात्र जो पैसों की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो किसी भी जैसे मेडिकल का हो गया तैयारी करना चाहते हैं, वो बैंकिंग एसएससी का तैयारी करना चाहते हैं, वो आपको बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार ने क्या किया है, तो बैवो 100 बैवो 30 ऐसा करके कोलाबोरेशन किया है अलग अलग बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थानों के साथ, और हर जगह से कहीं से 100 विद्यार्थियों को, कि मेडिकल में है अगर आपको यूपीएससी बीपीएससी करना है तो 30 लोगों को, ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, एक पहल किया, एक शुरुआत किया है। तो उसी शुरुआत का एक देन है बैवो 100। बैवो 100 फिर से मैं बताता हूं, ये बीएससी कोचिंग संस्थान के साथ लेट्स इंस्पायर बिहार का कोलाबोरेशन है जिसमें हम लोग बिहार के 100 ऐसे विद्यार्थियों का चयन करेंगे जिनको हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे बैंकिंग एसएससी और रेलवे के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं कि बैवो 100 क्या है, कैसे उसमें हम लोग एडमिशन लेंगे, कब एग्जामिनेशन होगा, क्या फीस लगेगा कि फीस नहीं लगेगा, इन सारी पहलुओं पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप ए सोशल इनिशिएटिव बाय लेट्स इंस्पायर बिहार टू हेल्प द इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, कहने का मतलब क्या है, इसका जो एक ही हम लोग का एकमात्र पहला उद्देश्य है कि ऐसे विद्यार्थियों का चयन कीजिए जो मेधावी हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनके अंदर मेरिट है, ज्ञान है उनके अंदर, पढ़ने का ललक है, भूख है, लेकिन इन पैसों की वजह से आप देख सकते हैं कोविड में भी कितनी परेशानियां हुई हैं। तो उन सारे लोगों के लिए हम लोगों ने बैवो 100 का निर्माण किया है, शुरुआत किया है, और इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें आपको देखिए, यहाँ पे आपको जैसे बैवो 100 के बारे में पूरा का पूरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिन लोगों का घरेलू इनकम 40,000 से कम है पर महीना, जिस महीना में भी ऐसे विद्यार्थी जिनके पैरेंटल इनकम, जिनके घर का इनकम हर महीना 40,000 से कम है, वो सारे लोग हमारे बैवो 100 में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके सारे नियम के बारे में कि हम लोग क्या क्या बैवो 100 में देंगे आप लोगों को। सबसे पहले आपको फ्री कॉम्प्रिहेंसिव हाइब्रिड क्लासेस आपको देगा। ये हाइब्रिड क्लास क्या होता है, मतलब एक ऐसा क्लासरूम जिसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की, पूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी, और फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 24/7 मेंटरशिप दिया जाएगा आपका, मतलब सारा किताब भी हम ही देंगे आपको। हर एक जो बच्चे, वो 100 विद्यार्थी जो बैवो 100 में चयनित हो जाएंगे, उन 100 विद्यार्थियों को हम क्या करेंगे आपको, तो उनको भाई स्टडी मटेरियल भी देंगे और 24/7 उनको गाइडेंस दिया जाएगा बाय द एक्सपर्ट्स, जो लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा उनको क्या किया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा आपको। और फिर जब आप तैयारी करेंगे तो अब नौकरी लेना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बच्चों के अंदर होना चाहिए, तो एक्यूरेसी के लिए तो हम लोग हाइब्रिड क्लास दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, 24/7 उनको मेंटरशिप दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको क्या किया जाएगा, तो जब थोड़ा सा तैयारी कर लेंगे तो टेस्ट सीरीज भी फ्री में आपको दिया जाएगा, निःशुल्क रूप से आपको टेस्ट सीरीज की तैयारी करवाई जाएगी, और एट लास्ट आपको द वैलियंस क्लब में भी आपको क्या मिलेगा, तो उसका भी आपको कार्ड मिलेगा कि आप लाइफ टाइम वहां पर भी तैयारी कर सकते हैं। तो दो आप देख रहे हैं आप यहाँ पे कि एक कंप्लीट एक पैकेज है आपका,
डैवो 100 के अंदर जितने भी विद्यार्थी चयनित होंगे उन सबको पूर्ण रूप से तैयारी करवाई जाएगी। कहीं पे भी उनको कुछ नहीं सोचना है कि भाई हम टेस्ट कहाँ से देंगे, हम एग्ज़ाम में प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे कैसे, मेंस का कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ आप हम लोगों के ऊपर छोड़ दीजिए। और अब सवाल ये है कि वैभव 100 में हम एडमिशन कैसे लेंगे, वैभव 100 के लिए हम पंजीकृत कैसे होंगे। सबसे पहले तो पंजीकृत होना पड़ेगा, इनरोल होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखिए वैभव 100, ये कुछ ये देखिए एक आपके सामने स्क्रीन आया है, ये कुछ बीएससी कोचिंग के कुछ ऐसे अव्वल छात्र हैं जो अभी 20, 21 और 22 में जिन्होंने नौकरी पाया है। और आप सब भी वैभव 100 के माध्यम से आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप टॉप कर सकते हैं, आप नौकरी ले सकते हैं। और बस आपको इसके लिए करना क्या है, आपको तो कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मली आपको क्या करना है। तो देखिए हमारे पास पूरा का पूरा यहां पे डेटा आपके सामने दिया हुआ है आपको कि वैभव 100 में आपको एडमिशन लेने के लिए, वैभव 100 में अपने आप को इनरोल करने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे लिखा हुआ है आपका कि जो लोग भी देखिए यहां पर देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी वैभव 100 में अपना पंजीकरण करना चाहते हैं उनका आयु 1/1/2022 तक, ध्यान से सुनना है, 1/1/2022 को अगर उस अभ्यर्थी का आयु निकाला जाए तो वह आयु 18 से 30 वर्षों के बीच में होना चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, तो 1/1/2022 को हमारा आयु 18 से 30 वर्षों के बीच में होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है आपको, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ध्यान देंगे कि जो भी अभ्यर्थी वैभव 100 में अप्लाई कर रहा है वो किसी भी सरकारी या निजी संस्थान में कार्यरत नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपना, तो नहीं। आप बस हमारा उद्देश्य है वैभव 100 का, विकास वैभव सर का उद्देश्य क्या है आपको, तो इस बिहार के लोगों को, ऐसे लोगों को जो डिप्राइव्ड है, जो समाज में जो पैसों की वजह से अपने आप को पढ़ाई में आगे लेकर नहीं आ पाते हैं, वैसे विद्यार्थियों को हम लोगों को क्या करना है, निशुल्क शिक्षा दान करना है आपको। तो यहां पे भाई आपको किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में आप कार्यरत नहीं होने चाहिए। तो आप अगर आप ऐसा कहीं पर भी हैं तो आप वैभव 100 में इनरोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी सरकारी गैर सरकारी किसी संस्थान में काम नहीं कर रहे, आप आराम से यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं। इनरोल कैसे करना है उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे हम लोग। पहले हम लोग थोड़ा क्राइटेरिया देख रहे हैं क्या क्या होना चाहिए। फिर बोला है कि जो भी अभ्यर्थी इंटरमीडिएट एमटीएस रेलवे एसएससी सीएचएसएल 2023 ग्रेजुएशन एसएससी सीजीएल आरबीआई नबार्ड आईबीपीएस 2000, मतलब एक चीज और यहां पे बोला गया है कि ऐसा विद्यार्थी जो है कि जो लोग इसको पास, जो इंटरमीडिएट पास है, सिंपल जो लोग इंटर पास है, जो ट्वेल्थ पास है, जो स्नातक है, ग्रेजुएशन पास है, वैसे सारे विद्यार्थी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिनको तैयारी करवाई जाएगी रेलवे का, आरबीआई का, बैंकिंग में आईबीपीएस का, एसबीआई का, इन सब चीज़ों का उनको तैयारी करवाई जाएगी। इंटर पास वाले भी लोग, ध्यान से देखिए यहाँ पे, जो लोग इंटरमीडिएट है, जो लोग इंटर पास है, वो लोग भी क्या कर सकते हैं आपको, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इंटरमीडिएट वाले जो कि देखो, अगर तुमको बैंक पीओ करना है, हम लोगों को बैंक पीओ करना है, तो ग्रेजुएशन स्नातक पास होना चाहिए। लेकिन एक बात यहां पे है कि अगर हम इंटर पास भी है तो आप वैभव 100 में आप अपने आप को पंजीकृत करके आप एडमिशन ले सकते हैं। आप अब यहाँ पे अगर आप 100 में चयनित तो हो गए तो आपके पास अभी गोल्डन पीरियड रहेगा, एक सुनहरा अवसर रहेगा कि आप आराम से 2 साल आपके पास टाइम रहेगा, आप तैयारी करके आप एक अच्छा रैंक लेकर आ सकते हैं आने वाले एग्जामिनेशन में। इसीलिए हम लोगों ने इसका जो क्राइटेरिया रखा है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है आपको, वह इंटरमीडिएट ही रखा है हम लोगों ने। फिर देखिए क्या बोलता है आपको, अब ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो भी अभ्यर्थी, ऐसे मैंने पहले चर्चा भी किया है कि हम लोग यहाँ पे ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों का चयन करेंगे जिनके घर का इनकम पर महीने 40,000 से कम होना चाहिए।
40,000 से कम आपका अगर इनकम है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, डायवो 100 में अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं। फिर आप आगे एग्जामिनेशन जब होगा उसमें आप एग्जाम देंगे, कब एग्जाम होगा, कितने फेजेज में एग्जाम होगा, कितने नंबर का एग्जाम होगा, इन सारे चीजों पर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट डेट हमारे सामने आया है कि माफ कीजिएगा कि इनरोलमेंट पंजीकरण हम लोगों को पंजीकृत जो करना है, हमें अपने आप को जो इनरोलमेंट करना है वो कब से कब तक कर सकते हैं। तो आप अपना इनरोलमेंट 10 मार्च 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2022 तक आप अपना पंजीकृत कर सकते हैं, अपने आप को इनरोल कर सकते हैं अपने आप को। और इनरोल करने के लिए गूगल डॉक्यूमेंट का एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, तो गूगल डॉक्यूमेंट का फॉर्म भर सकते हैं आप। फिर देखिए क्या बोलता है, पीटी एग्जामिनेशन जो होगा आपका वह 1 मई 2022 को होगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, 25 अप्रैल 2022 तक अपने आप को इनरोल करना है। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं तो आपका आराम से इनरोलमेंट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं आप। और आपको फीस जो टेस्ट का होगा वो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इस टेस्ट के लिए 1 रुपया भी आपको फी नहीं देना है। बस आपको क्या करना है, नीचे जो फॉर्म दिया गया है उसमें जाकर के इनरोल करना है, अपने जो भी डिटेल्स पूछा जाएगा, नाम सारा डिटेल्स आपसे उस गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में पूछा जाएगा, आप सारे डिटेल्स को भरेंगे और आप इनरोल हो जाएंगे। और फिर आगे आपको अपने आप मेल और ये सब मैसेज आपको मिलना शुरू हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है, एडमिट कार्ड, ये सारा चीज़ आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको। अब देखिए और भी कुछ हमारे पास, देखिए यहाँ पे अगर आपके पास किसी प्रकार का और भी अगर कोई सवाल आपके मन में रहे तो आप क्या कीजिए, आप shikshadan.letsinspirebihar.org पे जा करके आप और भी हमारे बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। या तो एक वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें बस जानकारी दी जा रही है कि बैवो 100 है क्या चीज़, उसमें कैसे हम लोग इनरोल करेंगे और उसमें आने वाला भविष्य में हमको क्या मिलेगा, इन सारे चीज़ों पे चर्चा की जा रही है अभी आपका। और देखिए और भी आपका क्या है कि जो भी डिस्कशन है आपको वो सारे चीज़ हमारे लर्निंग ऐप, BSC लर्निंग ऐप जो होगा उसका भी आपको दिया जाएगा, आपको ID दिया जाएगा जहाँ से आप BSC लर्निंग ऐप में भी जा करके आप टेस्ट सीरीज ये सब दे पाएंगे आप। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्लाइड, अगले स्लाइड में जो है ये हमारा थोड़ा सा एग्जामिनेशन हाउ टू रजिस्टर का एक पूरा का पूरा एक स्लाइड बना हुआ है, आप सब भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। यहाँ पे क्या है आप देखिए कि आपको, जैसा कि हमने पहले ही बताया है आपको कि इनरोल करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो जा करके आप क्या करें, shikshadan.letsinspirebihar.org को सफ़र कीजिए, वहाँ पर जा करके बैवो 100 पे जाएँ और वहाँ जा करके आप अपने आप इनरोल कर सकते हैं। या आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को खोले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म का उसको क्लिक करें, वहां से भी आप फॉर्म भर सकते हैं आप। और उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप क्या करें, BSC कोचिंग में कॉल करके, जो हमारे पास नंबर जो दिया जाएगा फर्स्ट पेज में BSC कोचिंग का जो नंबर है उस पर कॉल करके आप वहां से जानकारी ले सकते हैं कि कहां पे सेंटर है, वहां जाके भी आप इनरोल कर सकते हैं आप। फिर देखिए और आपको क्या बोल रहा है आपको कि सारे डिटेल्स जब आप ऑफलाइन भरने जाएंगे, फॉर्म जब फिल करने जाएंगे तो आपको अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है और अपने बगल के जो BSC और LIB सेंटर है, BSC या लेट्स इंस्पायर बिहार का जो सेंटर है, LIB यहाँ पे लेट्स इंस्पायर बिहार का जो सेंटर है वहाँ जा करके सारा डिटेल्स भरे। बस अपने साथ क्या करें आप कि भाई 2 फोटोग्राफ लेकर जाएं पासपोर्ट साइज का। फिर देखिए अब बात आता है क्या चीज़ की, एग्जाम का पैटर्न 2 माध्यम है भाई, एक है प्रीलिम्स और एक है मेंस। पेपर 1 प्रीलिम्स है जो 1 मई 2022 को होगा, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे और 60 मिनट का समय दिया जाएगा।
इसमें आप लोग समझ जाएं, हजारों विद्यार्थी होंगे प्रीलिम्स में, वहां से हम लोग क्या करेंगे तो कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ जो रैंक होल्डर, टॉप के जो रैंक होल्डर्स होंगे उनको हम लोग वहां से क्या करेंगे, पिक करेंगे उनको वहां से, हम लोग क्वालिफाई जो लोग भी करेंगे हमारे क्राइटेरिया में, जो हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है कि भाई प्रीलिम्स में ऐसे विद्यार्थी जिनको इतना नंबर, एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो इतना नंबर लेकर आएंगे, जो कट ऑफ क्रॉस करेंगे, वो सारे विद्यार्थी मेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और मेंस एग्जामिनेशन जो है वह 120 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। प्रीलिम्स में 60 मिनट का समय, 100 सवाल, और मेंस में आपको 120 सवाल, समय कितना दिया जाएगा तो 90 मिनट का समय दिया जाएगा। और हर गलती पे 0.25, हर गलती पे 0.25 नंबर जो है वो आपका क्या किया जाएगा, काट लिया जाएगा। हर गलती पे 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा आपका। अब देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको एडमिशन के समय, जब आप इनरोलमेंट कर लेंगे तो आपका एडमिशन जब होगा, जब आप सारे चीज़ों को पास कर गए, पास करने के बाद आप बैवो 100 में चयनित हो चुके हैं। अब बैवो 100 में चयनित होने के बाद एडमिशन जब आप लेंगे तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना है। क्या क्या रखना है भाई, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको मार्कशीट चाहिए आपका, जो लास्ट क्लास आपने अटेंड किया है, वो ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, कुछ भी हो सकता है। आपका रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या इलेक्शन आईडी, कुछ भी चलेगा आपका। फिर इनकम प्रूफ चाहिए अपने पेरेंट्स का, आपके गार्जियन का, हमको आयकर विभाग जो आईटीआर आप भरते हैं वो हमको चाहिए, जिससे हमको ये पता चल पाए कि आपके गार्जियन की आमदनी कितनी है। फिर क्या है आपका, एफिडेविट चाहिए, आप जो आधार देंगे उसको गैजेट ऑफिसर से आपको एफिडेविट करवाना पड़ेगा। और साथ ही साथ क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्शन आईडी कार्ड, कुछ भी चलेगा आपका। तो इतना सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको, जब आप फॉर्म, आप जब आप वैभव 100 में चयनित हो जाते हैं, जब आप एडमिशन लेने आते हैं, तो एडमिशन के साथ समय, नामांकन के समय आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपका। तो ये आपका बैवो 100 में क्या है आपका। अब बैवो 100 में क्या है कि अगर आप बैवो 100 के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस को, तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कौन कौन सा विषय पूछा जाएगा। तो भाई देखिए, आपसे पूछा जाएगा गणित, पूछा जाएगा आपसे मैथ्स में भी दो तरह का है आपको, हायर मैथमेटिक्स और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। तो आपको दोनों चीज़ों का, आपको क्वांट का नॉलेज होना चाहिए, एडवांस मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, रीजनिंग, आपको रीजनिंग वर्बल, लॉजिकल, नॉन वर्बल तीनों का ज्ञान होना चाहिए आपका, इंग्लिश और कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज़, इन सारे चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारे विषयों से आपके पास सवाल पूछे जाएंगे, क्वांट से, मैथ से पूछे जाएंगे, रीजनिंग से, जीएस का सेक्शन रहेगा जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा आपका, कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो इतना सारा चीज़ जो है आपको, जैसे प्री देना है आपको, तो प्री के लिए हमको बस तीन सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें मात्र चार सब्जेक्ट रहेगा आपका। कौन कौन सा रहेगा आपका, तो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। जो आपका प्रीलिम्स होगा उसके लिए क्या क्या है, तो क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है आपका। इसी चार सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, 25 25 25, मतलब चारों से 25 25 सवाल पूछा जाएगा आपको, और 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा आपको। अब देखिए, ये है हमारा सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा का पूरा एकदम, हर एक चैप्टर का नाम भी दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम, और ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भी। जो लोग बैवो 100 क्वालिफाई कर जाएंगे उनको ये सारे चीज़ पढ़ाए भी जाएंगे, और बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ाया जाएगा, और आपको उस प्रकार से नरिश किया जाएगा, आपको उस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आप आने वाले एग्जामिनेशन में आप 100% नंबर के साथ, जो बैवो 100 के 100 विद्यार्थी होंगे, वो 100 विद्यार्थी का चयन होगा। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा सोच है, और यही हमारा सपना है बीएससी कोचिंग और
विकास वैभव सर, हम दोनों लोगों का एक ही सपना है कि जो 100 विद्यार्थी वैभव 100 में चयन हो उन 100 का नौकरी होना चाहिए और वो अपने समाज में सर उठा करके चल सके, इसी सपने के साथ वैभव 100 आया है आपके लिए। अब देखिए और क्या है, और कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वैभव 100 का, तो भाई कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया गया है आपको जिसमें आपको ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, आपको कुछ शर्तें दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है, बाकी सारा शर्त तो लगभग हमने बता दिया है। एक और स्पेशल चीज़ यह याद रखना है आपको कि भाई जो महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए 10% सीट जो है वो आरक्षित रखा गया है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए, वुमेन एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए 10% सीट जो है उसको आरक्षित रखा गया है आपका। और दूसरा चीज जो है, जो विद्यार्थी वैभव 100 को, जो विद्यार्थी वैभव 100 को क्वालिफाई कर जाएंगे उनको सेल्फ एकोमोडेशन करना होगा। हम पढ़ाएंगे आपको फ्री में, हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे, उसका कोई हम टेस्ट हर चीज़ हम देंगे पढ़ाई का, आपको एकोमोडेशन का जगह भी देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा खर्च आपको बियर करना होगा, वो नॉमिनल खर्च होंगे आपको जो आपको बियर करने होंगे आपको। बाकी सारे कंडीशंस यहाँ पे क्या किए हुए हैं आपको दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से आप घर पे। अब देखिए ये हमारा क्या है, तो भाई यही हमारा सपना है आपका कि आपका जो आपने जो ड्रीम देखा है उसको आप विश्वास के साथ पूरा करें और सर उठा करके आप समाज में जिए और समाज में अपने आप को कभी भी डिप्राइव महसूस न करें आप अपने आप को। तो इसी सोच के साथ, इसी सपनों के साथ बीएससी कोचिंग संस्थान और साथ में विकास वैभव सर आपके लिए वैभव 100 लेकर आए हैं। तो सारे विद्यार्थियों से मैं शुभम तिवारी अपील करता हूँ कि आप सारे लोग, जो लोग भी हमारे कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, हमारे शर्त को पूरा कर रहे हैं, सारे लोग इसमें जरूर हिस्सा लीजिए। 1 रुपया नहीं लगने वाला है और आप वैभव 100 में चयन होने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप वैभव 100 में चयन हो गए तो आप 100 विद्यार्थियों का नौकरी 100% होगा, उसके लिए हम लोग जी जान से आपके लिए लगे रहेंगे। चलिए इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।